बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। अपने रोजगार की मांग लेके या नौजवान लोग नौकरी की मांग लेके उनके पास पहुंचते हैं तो उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही मिलते हैं। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितना सुरक्षित महसूस करते थे, खासतौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आप सबने उनकी सुरक्षा की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है और उनकी और उठाए गए थे। आप सब युवा लोग हैं भैया, थोड़ा सा सम्मान। सब अच्छे से भली भांति समझते हैं कि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया का जमाना है और इसका खूब अच्छे से गलत प्रयोग भाजपा सरकार करती है। वो आप सब जानते हैं, वो उसका प्रयोग खाली अपने दुष्प्रचार और झूठी तारीफों के पुल बांधने में करती है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी खुल के अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है, तो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग सरकार तक अपनी बातें नहीं पहुँचा पा रहे, रख पा रहे, जिनकी आवाजें सरकार दबा रही है और जो हम तक किसी ना किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे, बहुत छोटा शहर प्रदेश नहीं, बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन मैं उन सबको वादा करता हूं कि आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़िए और आपकी एक एक तकलीफ यहां पे नोट करी जाएगी और उसका हम पूरा प्रयास करेंगे उन आपकी समस्याओं का और समस्याओं का समाधान करने का। बातें तो बहुत है मेरे पास कहने के लिए, उसके लिए लंबा वक्त भी चाहिए, दवाई खत्म हो गया। फिर कभी जल्दी फिर आपके साथ बैठेंगे और मिलेंगे और बात करेंगे। मैं बस यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपको इस सरकार द्वारा या इनके लोगों द्वारा किसी को भी डरने और दबने की जरूरत नहीं है, और अगर ये लोग आपको डराने और दबाने की कोशिश करते हैं तो आपको बस ये उनसे कह देना है कि आदरणीय बहन जी फिर आ गई है। जो भी आपको डराने दबाने की कोशिश करता है या करेगा, वो खुद ही अपने आप अपने बिल में या अपने घर में कहीं छुप के बैठ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहूंगा, आप जो भी यहाँ बातें सुनेंगे प्लीज अपने साथ लेके जाइए, यहाँ छोड़ के नहीं, और घर घर पहुंचाने की बात करिए और उनको इस प्रकार पूरे प्रदेश की जनता, खासतौर से सर समाज के नौजवान युवाओं को ये पता चलना चाहिए कि उनकी जो इस समय पीड़ा है, समस्या है, उनका समाधान सिर्फ एक ही है और एक ही तरीके से हो सकता है, जब आदरणीय बहन जी पांचवी बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आप सबसे आगे लूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।